हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं सांपों की। सांप एक ऐसा जीव है जो हमें कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। बड़ी सिटी को छोड़ के छोटी सिटी हो, गांव हो, तो उधर हमें नॉर्मल बात है कि मिलते ही ये। ज्यादातर खेत एरिया हो, गांव हो, तो उधर हमें ज्यादा सांप दिखने देते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमें सांप कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। पहले तो बात करें तो हमारे घर की, बड़े सिटी में ज्यादातर घर पतरे वाले नहीं होते, इसलिए सांप दिखाई देंगे। लेकिन छोटे गांव हो या तो छोटी सिटी हो, तो हमें क्या पतरे वाले घर होते हैं तो उधर ज्यादातर सांप दिखाई देते हैं। क्योंकि पतरे हो तो उधर उधर जो दीवार और पतरे के बीच में गैप रहता है, तो उधर क्या चूहे हो गए या तो कोई और जीव रहता है, तो उसको खाने के लिए नॉर्मल सांप आ ही जाते हैं, तो हमें वो भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात करें तो हमारी गाड़ी की, गाड़ी कोई भी हो या एक्टिवा हो या तो बाइक हो या तो ए टू जेड हो, लेकिन उसमें थोड़ा भी जगह मिल जाती है तो सांप अंदर घुस जाती है। देखिए एक ऐसी एक्टिवा जिसमें सांप घुसा दिख रहा है आपको, लेकिन उसे छूना नहीं चाहिए। कोई एक्सपीरियंस वाला आदमी हो तो उसे बुला लेना चाहिए, जो कि वही आगे जाके उसको निकालने की कोशिश कर सकता है। तो ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए दूसरी एक्टिवा में कहाँ छोटा सा गैप मिल गया तो सांप जगह ढूंढ के अंदर घुस ही गया। देखो उसे निकाल रहे, कैसे निकाल रहे आदमी। अगर हम उधर हाथ लगाते हैं तो शायद हमारा हाथ उसके पास चला जाए तो हमें काट भी सकता है। जो कोई जहरीला हो तो हमें मार भी सकते हैं। देखिए कैसे पैर निकाल रहा है, देखा। जैसे सांप को हो तो सावधान रहना चाहिए गाड़ी से। दूसरी बात करें तो रास्ते पे भी कभी गाड़ी चलाते हो तो हमें दिखते हैं तो थोड़ा स्लो चलाना चाहिए गाड़ी। उसके अलावा जो हमारे घर के पास रहते हैं गटर नाले, तो उसमें भी ज्यादातर नालों में भी जीव होते हैं, छोटे मेंढक होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, तो उसको खाने के लिए क्या है सांप ज्यादातर रहते ही अंदर। ये देखिए छोटे से लेके बड़े सांप अंदर दिखाई देते हैं, तो नाले के पास जाओ, कचरा फेंकने या कुछ तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। ये देखिए छोटे छोटे सांप भी दिखाई देते, बड़े भी होते जो कि नाले के पास से हमारे घर के पास भी आ सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। ये देखिए पेड़ है, पेड़ ये तो पुराना पेड़ है, लगता बहुत पुराना पेड़ है। ज्यादातर पुराने पेड़ में क्या बीच में फाट रहती है, तो फाट के अंदर छोटे छोटे जीव हो गए, पक्षी हो गए, तो ये जाते हैं तो उनको खाने के लिए सांप दिखाई देते, नॉर्मली उसमें आते ही है। तो जब भी ऐसे पेड़ के पास से जाओ तो थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। ये देखिए ये फीमेल सांप है जो कि खतरनाक रहती है, उससे थोड़ा सावधानी रहना चाहिए। देखा आपने कैसा सांप है। इसके अलावा भी एक आता है हरा कलर का, ये देखिए ये हरा कलर का है, ये ज्यादातर दिखाई नहीं देता पेड़ों के पास रहते हैं तो, लेकिन उसे सावधानी थोड़ी बरतनी जरूरी है। ये देखिए पूरा ऊपर उठता है और जंप भी मारता है, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल इसको अवॉइड करना चाहिए। ये देखिए ये ज्यादातर जंगलों में दिखाई देता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।